नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव गर्ग और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के सीएनजी वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, आपको डिजायर के सीएनजी वेरिएंट में बेसिकली दो वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि है VXI और ZXI। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके VXI वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें हम इस VXI वेरिएंट के कीमत के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको कीमत बता देता हूँ इसकी, 8,23,000 रुपये एक्स शोरूम पर ये मिल जाती है। वहीं बात करें ऑन रोड के, तो ऑन रोड ये आपको लगभग 9,20,000 रुपये के ऑन रोड प्राइस पर ये मिल जाती है। तो वहीं बात करें अब इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल के सीरीज वाला इंजन मिल जाता है, जो कि 76 BHP की पावर निकाल के देता है। वहीं 98 Nm का एक टॉर्क निकाल करके देता है। और वहीं बात करें इस गाड़ी की माइलेज की, तो माइलेज आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो है 31 किलोमीटर पर केजी सीएनजी के अंदर। तो भाई परफॉर्मेंस भी ठीक है, माइलेज भी ठीक ठाक है। वहीं इसमें आपको जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है और इसमें लगभग 8 से 8.5 किलो इसमें गैस आ जाती है। तो अब बात करते हैं भाई गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प ही मिलती है और नीचे कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलती है। सेंटर में आपको ग्रिल है, जो वो भी आपको नॉर्मल ही मिलती है रब लेकिन इसमें। हालांकि इसके चारों तरफ आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है देखने को, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है आपको। अब बात करते हैं हम इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM पर ही प्रोवाइड कर दिया गया है और ORVM और डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड ऑफर किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके टायर के बारे में। तो दोस्तों, आपको इसमें 14 इंच का स्टील रिम ऑफर किया गया है। जिनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें आपको 165/80R14 का टायर साइज ऑफर किया गया है, जो कि इसमें आपको जेके टायर का टायर मिलता है। वहीं आपको इसमें व्हील कैप ऑफर नहीं किया जाता, ये एज ए पार्ट ऑफ एसेसरी आपको लेने पड़ते हैं अलग से। और फ्रंट के विंडशील्ड पर आपको CNG की बैजिंग जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक CNG गाड़ी है, इसलिए ये बैजिंग आजकल बहुत ज़रूरी कर दी गई है। बात कर लेते हैं इसके पिलर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ए और सी पिलर तो बॉडी कलर्ड मिलते हैं, वहीं बी पिलर आपको रब ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। और रूफ़ पर आपको इसका रूफ़ एंटीना मिल जाता है, जो कि अभी लगाया नहीं गया है, ये जब गाड़ी सेल होगी उस टाइम इसको लगा के दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं क्या इसका लुक है। वैसे कोई चेंज किया नहीं गया, जो पेट्रोल में आती थी वही है। और यहाँ पर आपको इसका पेट्रोल का टैंक मिल जाता है और यहाँ पर CNG का फ्यूल कैप भी आपको यहीं से मिल जाता है। और इसको ना बाहर से ही खोल के निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अंदर से कुछ खोलना पड़े, तो ये बाहर से ऐसे ही निकल जाता है। बट इसमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इसमें ये सेंसर तो लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। और सबसे पहले बात करें टेल लैंप की, तो टेल लैंप आप देख सकते हैं इसमें LED टेल लैंप आपको इसमें मिल जाती है, बट इसमें टर्न इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको हैलोजन ही मिलती है, बाकी का सेटअप आपको फुली LED मिल जाता है। और बूट पर डिजायर की बैजिंग और सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और उसके नीचे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। और रियर बम्पर पर आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और सबसे नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो और जो रियर विंडशील्ड है उस पर आपको CNG की बैजिंग तो मिल जाती है, हालांकि कोई डिफोगर वगैरह इस पर अभी ऑफर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसके बूट के बारे में। तो बूट अभी मैं आपको खोल देकर दिखा देता हूँ। बूट खोलने के लिए इसमें रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, तो रिक्वेस्ट सेंसर से बूट खोल के देख सकते हैं। ये है इसका CNG टैंक भाई। तो यहाँ पर भी कोई भी आपको इसमें इंसुलेशन वगैरह तो लगा के नहीं दिया गया है, तार वगैरह ऐसे खुले से दिख रहे थे भाई। इस पर इंसुलेशन जो लगाना ज़रूरी था वैसे तो, बट आप देख सकते हैं CNG टैंक, आप देख सकते हैं इसमें जो 50 लीटर का ये CNG टैंक है। हालांकि इसमें गैस है जो 8-8.5 किलो अगर फुल प्रेशर पे तो आ जाती है नॉर्मली। और फिटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। और नीचे की साइड में आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको 14 इंच का ही मिलता है और नॉर्मल स्पेयर व्हील है, तो यहीं से आप इसको डाल सकते हैं। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको बिना CNG सिलेंडर के 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और अब आप देख सकते हैं CNG सिलेंडर लगाने के बाद कितना स्पेस बचता है। तो आप कर देते हैं इसके बूट को क्लोज और चलते हैं इसके फ्रंट डोर की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ जिसमें आपको वाइट कलर के हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके फ्रंट डोर की तरफ। फ्रंट डोर पर आप देख सकते हैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो हमें ऑफर नहीं किया गया है। बाकी जो इसके इंटीरियर है वो आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है, बीज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ ये ऑफर किया गया है, आप देख सकते हैं। और डोर्स पर आपको फैब्रिक की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। बाकी और ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है, डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, क्रोम का डोर हैंडल आपको इसमें मिल जाता है, और वैम फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, नीचे डॉक्यूमेंट होल्डर, एक बोतल का होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको इसमें मिल जाती है। बाकी बात करें इसकी सीट वगैरह की, तो सीट आप देख सकते हैं फैब्रिक अपॉर्चुनिटी के साथ ऑफर की गई है, पूरे बीच कलर की सीट है। नीचे की साइड में आप इसके हाइट एडजस्ट और रिक्लाइन एंगल दोनों पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट ऑफर किया गया है VXI मॉडल में ही।
बाकी वाइबर अर्टिगा वगैरह में तो ये अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा जो कि डिजायर के VXI मॉडल में। यहाँ से आप इसके फ्यूल लीड को भी ओपन कर सकते हैं और बूट को भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको पीछे भी मिल ही जाता है। बात करें डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं CNG से पेट्रोल में कन्वर्ट करने का स्विच मिल जाता है और हेडलाइट लेवल करने का स्विच भी आपको इसमें मिल जाता है। हालाँकि आइडल स्विच ऑफ का बटन आपको इसमें नहीं मिलता है। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग आपको वही फ्लैट बॉटम डी कट टाइप का स्टीयरिंग ऑफर किया जाता है। मारुति की सभी गाड़ियों में आजकल यही स्टीयरिंग ऑफर किया जाने लगा है। वैसे तो इसमें आपको नीचे से फ्लैट बॉटम मिलता है, इसमें आपको वही सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और इस साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड में ब्लूटूथ और कॉल पिक एंड ड्रॉप के स्विच मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड में वही टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो इसमें आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। एक साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है और दूसरी साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। हालांकि मैं आपको इसको अभी जला के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसकी की अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं अभी ऑन तो करके नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी बात करें इसके सेंटर कंसोल के बारे में तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ऊपर की साइड में एसी वेंट्स और नीचे की साइड में आपको मैनुअल एसी मिल जाती है और उससे नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और एक USB पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है और उससे नीचे थोड़ा सा स्पेस और 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है जिसके चारों तरफ आपको सिल्वर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और नीचे की साइड में आपको जो हैंड ब्रेक है उस पर भी क्रोम का काम देखने को मिलेगा और पीछे की साइड में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और उसके बीच में आपको कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। तो इसमें आपको रियर में AC वेंट्स भी मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं इसके ग्लोव बॉक्स के बारे में। तो आपको नॉर्मल ग्लोव बॉक्स मिलता है, कोल्ड वगैरह आपको उसमें नहीं मिलता है। और डैशबोर्ड पर आपको एक वुडन की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। और AC वेंट्स के चारों तरफ आपको सिल्वर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, एक सिल्वर की लाइनिंग देखने को मिलती है और हज़ार्ड लैंप का स्विच भी आपको इसी में अटैच मिल जाता है जो कि थोड़ा सा यूनिक लुक देता है। ऊपर की साइड में आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलता है, नीचे की साइड में आपको बीज कलर का डैशबोर्ड मिल जाता है। तो बीज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाता है। और बात करें IRVM की तो इसमें आपको मैनुअल IRVM दिया गया है। सनसेट पर आपको को पैसेंजर वाले पे वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। हालांकि जो इसका ड्राइवर साइड वाला सनशेड है उस पर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है, उस पर कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। और ग्रैब हैंडल आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी को पैसेंजर वाली सीट वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। तो भाई इंटीरियर काफ़ी शानदार है। रूम लाइट की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन रूम लाइट मिलती है, एक यहाँ पर और एक बीच में। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का माइक मिल जाता है, जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो यहीं से आप बात कर पाएंगे। और रूम लैंप आपको एक पीछे की साइड में मिल जाती है जो कि हैलोजन ही है। तो आपको इसमें 2 रूम लैंप मिल जाती हैं जो कि ठीक है, पीछे वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई ओवरऑल जो इसका फ्रंट डैशबोर्ड का और स्टीयरिंग वगैरह का जो लुक है कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब चलते हैं इसकी रियर सीट की तरफ और देखते हैं उधर क्या क्या दिया गया है। तो भाई आ गए हैं इसके रियर डोर की तरफ। रियर डोर आप देख सकते हैं सेम ब्लैक एंड बीज के कॉम्बिनेशन में दी गई है। हालांकि इसमें जो फैब्रिक की फिनिशिंग दी गई थी आगे वाले डोर पर वो पीछे वाले डोर पर नहीं दी गई है। फैब्रिक फिनिशिंग आपको आगे वाले डोर पर ही मिलती है, पीछे साइड में आपको प्लास्टिक ही मिलने वाला है। बाकी पावर विंडो, ग्रैब हैंडल वगैरह और बोतल होल्डर और स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको इसमें एज इट इज़ मिल जाती है। और भाई अंदर तो मैं बैठ के नहीं दिखाऊंगा। बाकी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बाकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, थाई सपोर्ट वगैरह स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बीच में आपको एक आर्म रेस्ट भी ऑफर किया गया है इसमें जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फुल फैब्रिक में ये सीटें ऑफर की गई हैं जो कि इसके मतलब कंफर्ट को काफ़ी बढ़िया बना देती है। रियर में आपको AC वेंट मिल जाता है जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। बाकी कोई भी मोबाइल वगैरह रखने का स्पेस नहीं मिलता है इसमें। तो भाई रियर डोर का डिज़ाइन ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी दोनों ही मुझे कमेंट करके बता देना। कि अगर वीडियो में कोई कमी हो तो दोस्तों मुझे बता दिया करो कि भाई ये कमी है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। और भाई गाड़ी में बस यही था, वैसे मैंने आपको इसकी प्राइस वगैरह बता दी है कि 8,23,000 रुपये के एक्स शोरूम पर मिलती है। ऑन रोड ये वही 9 से 9.5 लाख रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी हर स्टेट में। और माइलेज की बात करूँ तो माइलेज भी मैंने आपको शायद बता ही दिया था कि ये कंपनी क्लेम करती है 31 किलोमीटर पर KG पर, बट वही रियल लाइफ में 27-28 तो ये दे भी देते हैं क्योंकि इसका वेट है जो 850 से 900 किलो के बीच में है। तो कम वेट की वजह से भाई माइलेज तो ठीक ठाक दे देती है। तो अगर आपका बजट 9 से 9.5 लाख के बीच में है तो ये आपके लिए एक बिल्कुल बजट वाली गाड़ी हो सकती है CNG में, तो भाई काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।